हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा रीडमी नोट 5 प्रो का, पाकिस्तानी वेरिएंट का, जो कि रीडमी नोट 5 प्रो के नाम से पाकिस्तान में है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यहाँ पर ब्लैक कलर में जो है रीडमी नोट 5 प्रो है, और इसकी जो प्राइसिंग है पाकिस्तान के अंदर वो 3GB और 32GB वाली वेरियंट की इसकी प्राइसिंग है 24,500, लेकिन ये आपको आराम से 23,000 में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करें 4GB की, तो 4GB और 64GB की प्राइस जो है वो है 32,000 पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 3GB और 32GB वाला वेरिएंट लें। अब बात करें अगर इस फोन की, तो ये जो है ये मेटल पे जो है कंस्ट्रक्ट है, कि बीच की प्लेट जो है मेटल की है और ऊपर नीचे जो है प्लास्टिक एंटीना लाइंस हैं, और आपको जो स्क्रीन मिलती है वो मिलती है 5.9 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि काफी अच्छा डिस्प्ले है और 18:9 रेशो पर है। ऊपर और नीचे के बेजल जो देख सकते हैं आप काफी कम हैं, और आपको जो है काफी अच्छी फील आती है मोबाइल हाथ में लेते ही। और इसमें जो है गोरिल्ला गिलास भी लगाया गया है, लेकिन ये बताया नहीं गया कि कौन सा जो है गोरिल्ला गिलास का वर्जन है ये। लेकिन जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको स्क्रीन पकड़ते ही अंदाजा हो जाएगा कि स्क्रीन जो है ये गिलास है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है। तो ऊपर और नीचे के अलावा कहीं भी प्लास्टिक यूज नहीं किया गया, सामने भी गिलास है और पीछे जो है वो आपको मिलता है इस पे मेटल बॉडी। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन जो है इसमें आराम से वर्क करता है। आप आराम से जो है स्प्लिट स्क्रीन इसके अंदर यूज कर सकते हैं, दो ऐप आराम से यूज करते हैं एक साथ, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 636, जो कि काफी ज्यादा जो है पावरफुल और एफिशिएंट प्रोसेसर है। और इसमें जो है वो मिड रेंज पे जो है काफी अच्छा जो प्रोसेसर है, और यहाँ पर आपको 3GB 32GB मिलता है, तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी ऐप को खोलने में और किसी भी गेम को यूज करने में। गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है ये फोन। और अगर बात करें इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना तेज फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका। आप जैसे ही उंगली रखते हैं और ये फौरन जो है आपको रिस्पॉन्स करता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी अच्छा है इसके अंदर। इसमें फेस अनलॉक भी है, लेकिन पाकिस्तानी वेरिएंट में फेस अनलॉक नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तानी वेरिएंट में कैसे फेस अनलॉक ऑन कर सकते हैं इसके अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपनी, कि आप कैसे इसको पाकिस्तानी वेरिएंट के अंदर जो है फेस अनलॉक ऑन कर सकते हैं और थीम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें इसके कैमरे की, तो कैमरा जो है काफी अच्छा है, काफी जो है इस बार Xiaomi ने जो है कैमरे में तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बैक पे जो है वो आपको डुअल कैमरा मिलता है 12+5 मेगापिक्सल, और जो अपर्चर है वो है f/1.9, तो अपर्चर काफी अच्छा है, और जो पिक्सल साइज है वो है 1.25 माइक्रोन का। तो मतलब ये है कि काफी अच्छा जो है कैमरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनोरमा मोड है, काफी ज्यादा मोड है यहाँ पर, HDR मोड भी है, और वीडियो पे जो है आप फुल HD पे वीडियो बना सकते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो जो है शेकिंग नहीं आएगी, काफी अच्छी वीडियो आएगी। मैं पिक्चर और वीडियो के दोनों के सैंपल जो है वीडियो के बाद डाल दूंगा, तो आप जो है अच्छी तरह से गैस कर पाएंगे कैसी इसकी कैमरा परफॉर्मेंस है। अब बात करें अगर इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है, और बैटरी जो है आपको पूरा दिन आराम से देगी, और आप आराम से जो है इस बैटरी को जो है पूरा दिन यूज कर पाएंगे, तो आपको बैटरी के लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पर बिल्कुल भी। अब बात करें अगर इसके सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर जो है काफी अच्छा है, इन्होंने जो है इनका जो MIUI इसके अंदर 9.5 डाला हुआ है, और यहाँ पर ऑन द बॉक्स जो है आपको 8.1 जो है ओरियो मिलता है, जो पाकिस्तानी वेरिएंट है उसके अंदर। अब बात करें अगर इसकी चार्जिंग की, तो यहाँ पर जो है USB इन्होंने जो है माइक्रो USB की चार्जिंग है, जो कि पुरानी है, लेकिन यहाँ पर जो है चार्जिंग क्विक चार्जिंग 3.0 जो है यूज की हुई है, जो कि काफी फास्ट चार्जिंग है। आपको 2 hours में जो है 4000 mAh की बैटरी आराम से चार्ज हो जाएगी। तो चार्जिंग भी काफी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छी है इस मोबाइल में, और सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। अब बात करूं अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में एडिशनल सेटिंग में जो है बहुत कुछ आपको मिल जाता है। जैसे कि मैं एडिशनल सेटिंग जो है खोलता हूं इसकी, तो वहां पर आपको जो है एक क्विक बॉल का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप जो है क्विक बॉल अपनी जो है ऑन करके, और वहां पर आप जो है एक टॉगल आएगा ऑन स्क्रीन पर, हम दिखा देता हूं करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टॉगल आएगा। अभी मैं इसको ऑन करूंगा, तो यहाँ पर आपको जो है तरह तरह के जो फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि बैक करना, और काफी ज्यादा जो है यहाँ पर फीचर अवेलेबल है, स्प्लिट स्क्रीन पर डायरेक्ट जाना, तो यहाँ पर ये जो है काफी अच्छा इन्होंने जो है फीचर डाला हुआ है। अब बात करूं अगर मैं इसके कैमरा की दोबारा, तो कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। अगर आप लो लाइट में भी देखें कैमरा, तो काफी अच्छा है। मैं लो लाइट की पिक्चर भी जो है अटैच कर दूंगा इसके साथ जो है
वीडियो के साथ। और इस प्राइस पॉइंट में मैं ये कहूंगा कि इसका कैमरा जो है वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है और इसके जो है आपको बहुत ही अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बैक पर आपको 12 MP प्लस 5 MP और डुअल LED फ्लैश मिलता है जो कि आपको नाइट मोड में जो है काफी अच्छा जो है परफॉर्म करता है। और मैं आपको इसकी हर तरह की जो पिक्चर है, सेल्फी कैमरा जो है इसका 13 MP का है, सेल्फी कैमरा ही काफी अच्छा है और लो लाइट में सेल्फी काफी अच्छी आती है और डे लाइट की तो बात ही अलग है। और यहाँ पर आपको दोनों में जो है पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, सेल्फी में भी और बैक कैमरा में भी। और नो डाउट कि कैमरे के लिहाज से, स्क्रीन के लिहाज से हर चीज में ये सेट जो है काफी अच्छा है। तो यहाँ पर कुछ सैंपल दिखा देता हूँ कैमरा की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के, यहाँ पर जो है ये मैकेनिक की दुकान में मैंने पिक्चर ली थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर कितने अच्छे आए हैं और कितने जो है निखर के आए कलर। और यहाँ पर मैं आपको एक पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर दिखाता हूँ, तो पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर ये तो नहीं है दूसरी, हाँ ये पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि बोतल को, गिलास को और टिश्यू पेपर के बॉक्स को कैसा पोर्ट्रेट किया हुआ है इसने और बाकी पीछे जो है ब्लर किया हुआ है, तो काफी अच्छी जो है पिक्चर है। और ये सारी पिक्चर्स जो है, ये पिक्चर जो है ये डे लाइट की है। मैं आपको लो लाइट की पिक्चर भी जो है काफी अच्छी मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के बाद, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो काफी अच्छे जो है ये कैमरा है। अगर आप ऐसे ही पिक्चर लें, देखिए मैंने ये वाली पिक्चर जो है, मेरी बाइक पंचर हो गई थी तो मैंने ली थी, तो वहां पर भी जो है कितनी अच्छी कलर निकल के आए हैं। तो ये था कंप्लीट रिव्यू रेडमी नोट 5 प्रो का। ये इसकी रियर कैमरे की वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं और ऑडियो भी जो है उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो देख सकते हैं आप लोग, मुझे बताएं कि ऑडियो कैसा है और वीडियो कैसी बन रही है। मेरे ख्याल में तो अच्छी बन रही है। अगर आप फोकस की बात करें तो फोकस भी अच्छा कर रहा है मोबाइल, तब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे फोकस काफ़ी अच्छा कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं चलूँ इसको लेकर थोड़ा, तब देख सकते हैं कि कितनी वीडियो हिल रही है। ये मैं पीछे जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ इसको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जो है वीडियो हिल रही है। और ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे जो है ऐसी वीडियो कुछ बन रही है। तो ये थी रियर कैमरे से वीडियो, अब फ्रंट कैमरे से बनाता हूँ थोड़ी। तो ये जो है, ये है फ्रंट कैमरे की वीडियो। मैं अभी इस टाइम पे जो है छत पर हूँ और ये जो है शाम का टाइम है, तब देख सकते हैं कि कैसा जो है वीडियो आ रही है। एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल में वो मसला नहीं है जो कि आपको नोकिया के 7 प्लस में आया है कि आप जो है वीडियो बना दी, वीडियो इतनी क्रॉप हो जाती है कि आप सही से वीडियो को खुद को भी नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर मैं जगह करूँ तो एक और बंदी खड़े होने की आराम से जगह है, लेकिन थोड़ी क्रॉप है फोटोज के हवाले से। तो अगर मैं चलूं तो देख सकते हैं आप लोग कितनी वीडियो हिल रही है और ऑडियो भी चेक कर सकते हैं, ऑडियो मैंने जो है इसी मोबाइल से बनाई है। सो ये थी इसकी फ्रंट कैमरा की, मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा आपको मेरा रेडमी नोट 5 प्रो का रिव्यू, जानता थोड़ा लेट है लेकिन मुझे अभी रिसीव हुआ है एक हफ्ते पहले ही daraz.pk पे, तो मैंने ये फोन लिया और इसका कंप्लीट रिव्यू किया। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।